बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल गार्डन साथ बहू का। आपकी दोस्त आयशा यद्दानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरिबा उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत मोहब्बत भरा सलाम को बोलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने गार्डन में सेल्फ वाटरिंग सिस्टम पर। तो अच्छा, ये सेल्फ वाटरिंग सिस्टम क्या है, आप पूछेंगे क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे तरह रूफ गार्डन पर अपना गार्डन बना रखा है तो वो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि छत पर कितनी तेज़ी से धूप आ जाती है और आप कितना भी अपने पानी को प्लांट्स को पानी दे दें तो वो दोपहर की तेज़ धूप के बाद जो ना वो खुश्क हो जाते हैं आपके पौधे। या फिर आप किसी मसरूफियत के सबब तबीयत सही नहीं है, ज़ाहिर कभी बंदे की सेहत और बीमारी तो साथ साथ लगी रहती है ना, कभी आप तबीयत की वजह से आप केयर नहीं कर पाते, पानी नहीं दे पाते, या ये कि आप कभी आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, कहीं गए हुए हैं तो फिर उसकी वजह से आप अपने प्लांट्स को तवज्जो से पानी नहीं दे पा रहे तो उससे फिर आपके प्लांट्स जो है ना मर जाते हैं, तो फिर आपको कितना अफसोस होता है। और अभी आजकल देखें सितंबर की धूप तो बहुत ही तेज़ निकल रही है, बहुत तेज़। और मैंने थोड़ा शेड कर रखा है और पिछले दिनों की आंधियों में मेरा शेड जो ना ग्रीन शेड जो था वो गिर गया, ऑरेंज कलर का शेड था वो गिर गया। अब दोबारा लगाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चों को टाइम मिलता है तो फिर वो करते हैं ना काम, तो वो लगाएँगे फिर। तो जब तक मैंने देखें आपको ये सिस्टम मैंने कहा मुतारफ़ करवाऊँ कि सेल्फ वाटरिंग सिस्टम क्या है ये और ड्रिप इरीगेशन हमारे लिए किस तरह से काम आती है, किस तरह से मुफीद होती है, तो मैंने आपको इसे तरीका बता दिया। तो दोस्तों, हम तीन तरह से अपने प्लांट्स के लिए सेल्फ वाटरिंग सिस्टम कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये मेथड है कि किसी बाल्टी या जार में पानी भरकर इसमें जूट की रस्सी का सिरा डाल दें। देखें जिस तरह से हमने ये डाल रखा है, ये देखें, दिखाऊँ आपको, ये देखें हमने ये डाल रखा है, ये देखें। तो ये हमने जिस तरह जूट की जैसे पहले हम चरागा नहीं करते थे या अभी भी चरागा करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं, तो चराग में हम एक कॉटन की बत्ती ये बना के देखें छोड़ देते हैं और ये सिरा जो हमारा बाहर निकला हुआ होता है तो ये अच्छा खासा रोश वो तेल नीचे से यहाँ से पी रहा होता है वो, और यहाँ से फिर हम उसके अंदर जलाते हैं तो वो जलता रहता है। इतनी लंबी बत्ती तो खैर नहीं निकली हुई होती, इतनी छोटी सी बत्ती निकली होती है चराग के अंदर, तो हम इस तरह से करते हैं। तो देखिए ये वही चराग वाला अहतमाम है हमारा। तो एक तो ही हमने जूट की रस्सी इसमें डाल ली, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ही अपने प्लांट से इस तरह से दबा देंगे, ये अभी थोड़ा सा और गहरा करेंगे अब इसको, तो इसमें दबा देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर से पाइप लगा के इसके अंदर इससे सीव के ज़रिए पानी भर लेंगे, पानी भर लेंगे तो फिर इसके बाद हम इसका ढक्कन ढक देंगे इसके ऊपर। कहाँ गए मेरे ढक्कन, हाँ ये रहे, फिर हम इस तरह ढक्कन ढक देंगे इसको, तो ये हमारा सेफ रहेगा। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे की सूरत में ये हमारे प्लांट्स को पानी मिलता रहेगा। तो देखिए मैंने ये अपना फालसा लगा रखा है, इसके अंदर मनी प्लांट लगा रखा है, ये भी पालक लगाई है मैंने, और ये माशाल्लाह जामन खुद ब खुद ही निकल आया, ये मैंने बोगनवेलिया की कटिंग लगाई थी तो ये वो लग रही है हमारी, और ये हमारा पुदीना लग रहा है। तो ये हमारे सब प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा पानी हमें मिलता रहेगा, तो ये क्या होगी हमारे प्लांट्स की रूट्स जो है ना ये खुश्क नहीं होंगी। तो ये हमारा पहला सेल्फ वाटरिंग सिस्टम का मेथड था। उसके बाद दूसरा मेथड जो है हमारा वो देखें ये है, ये देखें करेला है ना, करेले को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। इसे भी मैंने एक फालसा लगा दिया अपना, ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया, बच्चों ने खा के फेंका था तो वो लग गए थे, इसमें देखें माशाल्लाह मेरा करेला लगा हुआ है। तो अब दूसरा सेल्फ वाटरिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक हमारा देखें ये है, इसलिए हमने किया है, देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक होल इसका यहाँ नज़र आ रहा होगा ये, कि देखें, और एक होल इसका आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये। तो अब हमने ये जो ना एक ही, अच्छा एक ही रॉ के अंदर करना है, देखें ये ऊपर का जो होल यहाँ पर है और इसके बाद इसी की रॉ के अंदर सीधा बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है ये एक ही के अंदर। तो आपने जहाँ पर प्लांट्स की जड़ें हैं या जहाँ पर आपको पानी ज़्यादा देना है, जैसे मुझे इस तरफ देना है पानी ज़्यादा, इस तरफ पानी देना है, इस तरफ देना है पानी, तो मैं अपने प्लांट्स के जो ये होल्स का रुख जो है ना मैं कहाँ रखूँगी, मैं यहाँ रखूँगी इस तरफ, ये देखिए ये है ना ये है होल, तो मैंने ये यहाँ इस तरह से यूँ रखा। अब इसके अंदर भी मैं ऐसे ही करूँगी जिस तरह मैंने दूसरा उसमें इस्तेमाल किया मेथड के, इस तरह से इसको कीफ लगा के इसमें पानी भर दूँगी उसके अंदर अपना रेगुलरली, जैसे मेरे पौधों को आमतौर से पानी मिलता है ऐसे मिलता रहेगा, और उसके अलावा भी मैं इसको ये एमरजेंसी के लिए भर के छोड़ दूँगी ताकि मैं अगर एक दो दिन केयर नहीं कर सकूँ या ऊपर नहीं आ सकूँ किसी वजह से, तो ये मेरे प्लांट्स को पानी आराम से मिलता रहे। और तीसरा मेथड हमारा देखिए ये वो, खैर अभी तीसरा मेथड नहीं है, दूसरा ही मेथड है, लेकिन इसका भी मैंने ये किया है कि इसके अंदर मैंने नीचे बड़ा होल नहीं किया, इस पर देखिए बहुत छोटे छोटे से होल्स कर रखेंगे, ये देखेंगे ये हमारे बहुत छोटे छोटे से होल्स हैं और ये एक बड़ा हमारा होल हुआ हुआ है। तो ये हमने इस तरह से इसको भी हमने ऐसे ही रखना है कि प्लांट्स की जड़ें मेरी ये देखें ये सरफ हैं, तो मैंने ये दोनों होल्स मैंने इस तरफ रखने हैं यहाँ पर। अच्छा, ऊपर का होल हम किस लिए करते हैं, ये जो हम करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो पानी नहीं दिलता पौधों को तो यहाँ से हम होल क्यों कर रहे हैं, तो हम यहाँ से होल क्यों कर रहे हैं कि यहाँ से एयर की क्रॉसिंग होगी ना इसके अंदर,
तो हमारी फिर पानी की निकासी में, उसके ड्रेनेज सिस्टम में आसानी होगी, वो नीचे से आसानी से निकलता रहेगा। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से रख दिया ये, और ये जो मेथड था हमारा, ये हमारी स्ट्रॉ इसके अंदर चली गई है। तो इसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉ लगा रखी थी, तो मैं अभी देखती हूँ मेरी स्ट्रॉ कहाँ गई है। हाँ, तो इसके अंदर हमने एक स्ट्रॉ, हाँ ये तो देखें, ये मैंने एक स्ट्रॉ लगा रखी थी, वो मेरी अभी कटी हुई वो हो गई है, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये अकेले हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये देखें मिल गई है अभी, ये साफजादी, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ये इस तरह से लगा दी है, ये देखें, ये लगा के, और ये मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। अब ये जहाँ से देखिए, ये देखें ना, ये मेरी वो स्ट्रॉ जहाँ लग रही है, तो ये आराम से इसके अंदर ये पानी ऐसे ही जाता रहेगा आराम आराम से, कतरे कतरे की सूरत में। जैसे हम ड्रिप लगाते हैं ना, तभी हमें पानी की कमी हो जाती है, तो हमें ड्रिप लगने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे प्लांट्स को जब पानी की कमी हो रही होती है, तो उनको भी ड्रिप सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो आज हमने आपको दिखाया कि हम अपने ड्रिप इरीगेशन किस तरह से कर सकते हैं, और तीसरा मेथड जो है उसको जो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब ये डेंगू का सिस्टम नहीं होता तो उसको हम करते हैं। तो देखिए, जैसे एक हमने ये बड़ा प्लांटर ले लिया, ये ले लिया, अब हमने इसके अंदर पानी भर लिया पूरा। पानी भर के क्या हुआ कि इसके जो नीचे से होल्ड होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है इसका, ड्रेनेज होल जो होते हैं, तो उससे ये नीचे से पानी सोख करते रहते हैं, और ये पानी पीते रहते हैं, तो आपके ऊपर के प्लांट्स जो होते हैं ना, वो मरते नहीं है, उनको पानी मिलता रहता है, मतलूबा पानी। लेकिन आजकल डेंगू की हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं आपको ये नहीं करूँगी कि सजेस्ट करूँगी कि आप इसको, इस मेथड को इस्तेमाल करें। ये मेथड जो मैंने आपको दिखाया है, ये बहुत सेफ सिस्टम है। ये अभी ये हम मिट्टी जैसे देखे लगाएंगे ना, इसके ऊपर डालेंगे, तो ये पूरी मिट्टी से हमारा ये बोतल कवर हो जाएगी, और देखेंगे अभी मैं डाल दूँ मिट्टी से, ये हमारी पूरी बोतल कवर हो जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर पानी भरेंगे, पानी भर के, और वो पानी के लिए भी हमने अपनी सेफ रख रखी है। देखें, पानी भी भरना कोई मुश्किल नहीं है, जब आप पाइप लगाएं पानी भरने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, तो बस साथ साथ जब देखेंगे आपकी बोतल खाली हो चुकी है, तो आप अपनी बोतल को यहाँ तक भर दें, उसके बाद वो आराम से अपना, आपके प्लांट्स को पानी मिलता रहेगा। इस तरह दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है हमारा आज का ये सेल्फ वाटरिंग सिस्टम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अक्सर लोग परेशान रहते हैं, अक्सर गार्डनर परेशान रहते हैं कि अल्लाह इतनी तेज़ धूप थी, अब फला जगह चली गई, फला जगह चली गई, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल गार्डनर तो हैं नहीं ना, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, सब देखने होते हैं, ख़ानदानी मामला, घर के मामला सब देखने होते हैं, और उनके साथ साथ अपने गार्डन को भी लेकर चलना होता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। ये मेरा देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी मानसून के अंदर, ये मेरी बोगन मेरी कटिंग माशाल्लाह ये आराम से ग्रो करने शुरू हो गई है माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।